इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं बुद्ध पार्क में, और यहाँ पर जो बेरोजगार नर्सिंग के जो लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं, और इनके द्वारा बताया गया कि लगभग पूरे 100 दिन इन्हें हो गए हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो अभी तक ना सरकार और ना ही प्रशासन के लोग सुन रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बबलू है, मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कितने समय से आप यहाँ बैठे हुए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? आज हमें पूरे 100 दिन हो चुके हैं, 1 अगस्त को हम यहाँ बैठे थे, और हमारी एक सूत्रीय मांग है नर्सेज के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति। नर्सेज के 2621 पदों पर 12 दिसंबर 2020 को बीजेपी गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली, और आज तक वो भर्ती जस की तस पड़ी हुई है। ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है, इतनी निठल्ली गवर्नमेंट है कि ये इस भर्ती को अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसी गवर्नमेंट है कि 2 साल पूरे हो चुके हैं और ये इनसे एक भर्ती पूरी नहीं हो रही है। और पूरे उत्तराखंड की मैं आपको स्थिति बताता हूँ, पूरे उत्तराखंड में मैंने एक RTI लगाई जिसमें मैंने पूछा कि स्थायी नर्सेज कितनी है, तो पूरे उत्तराखंड के अंदर 638 स्टाफ नर्स इस टाइम पर वर्तमान में कार्यरत है। और अगर रिक्त पदों की बात करें RTI के माध्यम से जो मुझे पता चला 11741, 2021 जून 2021 की मैं आपको RTI का जवाब बता रहा हूँ, 11741 पद नर्सेज के रिक्त पड़े हुए हैं। इतने पद रिक्त पड़े होने के बाद भी ये सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ध्यान नहीं दे रही है, मैं आपको सबसे मेन बात बताता हूँ क्यों ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि इनको अपना इलाज यहाँ कराना नहीं है। इनको अगर छींक भी आती है तो यहाँ से दिल्ली एम्स भागते हैं, मैक्स भागते हैं, यहाँ तो इनको अपना इलाज कराना नहीं है। इलाज किसको कराना है? यहाँ यहाँ की आम जनता को यहाँ इलाज कराना, और आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी आज आप उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड जो है पूरे देश में नंबर 1 पर आ चुका है बेरोजगारी के मामले में। तो इतनी बुरी स्थिति यहाँ पर है। नर्सेज की स्थिति आप देख लीजिए, एक एक नर्स के ऊपर 100-100 मरीजों का बर्डन है, तो क्या यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसी होंगी आप खुद समझ लीजिए। और 2600 नर्सेज के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की लड़ाई जो है हम लगातार इतने टाइम से, आज 1 अगस्त से हम यहाँ लड़ रहे हैं। हमने यहाँ से वो हर एक्टिविटी की, यहाँ से हम पैदल यात्रा भी कर चुके हैं, भूख हड़ताल पर भी हम लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन हम यहाँ से कर चुके हैं, भीख मांगकर हम रोज़गार मांग चुके हैं, राष्ट्रपति को अपने खून से लेटर तक हम लिख के दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जब माननीय उच्च न्यायालय से हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में डिसीजन आया, उसके बाद भी ये सरकार नर्सेज के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति का शासनादेश जारी नहीं कर रही है। क्या मंशा है सरकार की आप समझिए। सरकार बेरोजगारों के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर? हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है कि हमारे जो 2621 पद 12 दिसंबर 2020 को निकाले थे, ने वर्षवार जल्द से जल्द किया जाए। धन सिंह रावत जी बड़े बड़े मंचों से ये कहते रहते हैं कि मैं वर्षवार भर्ती करूँगा, मगर ग्राउंड लेवल पे वो कुछ भी नहीं करते हैं। मेरा धन सिंह रावत जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से सिर्फ एक ही कहना है, आप बड़े बड़े मंचों पे से ये बात कहते हैं, बार बार कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से बार बार कहते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पे आप क्यों जीरो साबित हो रहे हैं? आज हमें कम से कम ढाई साल हमारे को हो गए हमारी भर्ती को आए हुए, और 100 दिन हमें इस धरने पर बैठे हो गए हैं, जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप और अधिकारी सब के सब सिर्फ खेल रहे हैं हमारे साथ, और कुछ नहीं करना चाहते आप लोग। सिर्फ नर्सिंग युवाओं को आश्वासन दे दे के ठगा जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा है। आपका क्या नाम है? सुषमा सेन। क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? हमारी बस एक ही मांग है कि नर्सिंग की वैकेंसी वर्षवार की जाए। धन सिंह राव जी हमेशा जब भी हम उनसे मिलते हैं हमसे कहते हैं कि बस कुछ दिन बाद आपका परमानेंट हो जाना है, हमें आपका वर्षवार नियुक्ति कर देना है। बट आज तक हमें 2 साल हो चुके हैं यहाँ बैठे बैठे हमें, और धरने के 100 दिन हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं लिया अभी तक, कुछ हमारे बारे में कोई सूद नहीं ले। क्या जब हम मर जाएंगे क्या आत्मदाह कर देंगे उसके बाद गवर्नमेंट करेगी? उससे पहले उन्हें कुछ नहीं करना है क्या? वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और हर बार हमें बार बार कहा जाता है कि नहीं आपका हो जाएगा, आपका हो गया, जबकि हाईकोर्ट से सब जगह से आ चुका है कि हाँ इनका नियमावली करना है, सब कुछ निकल चुका है कि सीनियरिटी वाइज इनका करो, बट अभी भी गवर्नमेंट सोई है। कब जगेगी ये गवर्नमेंट? कब? जब हम यहाँ से चले जाएंगे, इस दुनिया से उठ जाएंगे? बस हमारा एक ही वो है कि हमारी जल्द से जल्द सीनियरिटी वाइज हमें जल्द से अपॉइंट किया जाए, और हम भी उठें इस जगह से। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी परिवार है, लेकिन हम यहाँ के बैठे हैं, क्यों बैठे हैं हम? गवर्नमेंट कुछ करेगी इसीलिए बैठे हैं, बट उनको कुछ नहीं सुनना है, बस उन्होंने अपना कहना है कि आगे हो जाएगा, वो कब होगा किसी को नहीं पता है। और लगभग 100 दिन इन्हें पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना तो प्रशासन जाग रहा है और ना ही सरकारें इनकी सुन रही है। और साथ ही मैं दिखाता हूँ कि चूल्हा भी यहाँ है और गैस सिलेंडर भी ये लोग लेके आए हैं, पानी का सामान है और खाने का पूरा सामान यहाँ इनका मौजूद है।
मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे एक सूत्री मांग जो है हमारी कि नर्सिंग के पदों पे वर्षवार भर्ती शुरू की जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 100 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा खाना पानी रहना नहाना सब सारी चीज़ें हैं, भैया लोग हम लोग सब इधर ही पे बैठे हुए हैं, बट फिर भी हमारी जो सरकार है वो भर्ती टाले जा रही है, पता नहीं क्यों। कोविड के टाइम पर अगर नर्सेज नहीं होती तो शायद आज जितना मृत्यु दर था उससे कहीं ज़्यादा होता। कोविड के टाइम पर हम नर्सेज ने अपने सर पर कफन बांध के अपने देश को बचाया, अपने राज्य को बताया। वैक्सीनेशन हो, इम्यूनाइजेशन हो, सैम्पलिंग हो, हर किसी चीज़ में हम लोग आगे आए। कोरोना के टाइम पे हमने अपने घर परिवारों की चिंता ना करते हुए अपने देश की चिंता करी, अपने लोगों की चिंता करी, तो फिर भी सरकार उसके लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा मुआवजा तक के नाम पे भी कुछ नहीं दे रही है, ना ही वो हमारी भर्ती करवा रही है। तो गवर्नमेंट से मेरा यही अनुरोध होगा कि वो जल्दी से जल्दी हमारी वर्षवार भर्ती को चालू करे, और जो हम लोग बेरोजगार बैठे हैं हम भी आगे चल के अपने देश को और अच्छी अच्छी अपनी सेवाएं दे सकें। कैसे हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशु है। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है जो आप ये गैस चूल्हा लेकर के और सारा सामान लेके यहाँ पहुँचे हैं? बिस्तर भी आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। कितने दिन हो गए और कितनी बड़ी लड़ाई आप लड़ लें? आज पूरे 100 दिन हो गए, हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। ये जो नर्सिंग की भर्तियाँ हैं ये बहुत समय से 2020 से अटकी हुई है। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, कहते तो डबल इंजन की है, पर ये सरकार है किसी काम की नहीं। इनसे बोलो, धर्म के नाम पे, किसी के नाम पे, इनके नाम पे सब करेगी, पर इनसे भर्ती बोलो। और एक महान जो हमारा मेन मुद्दा है, स्टाफ नर्स और इसके अलावा डॉक्टर, क्योंकि हेल्थ जो हमारा फैसिलिटी है, हेल्थ सिस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम यहाँ से नहीं रिफ़र होंगे। अब आप देख लीजिए हालत, मैं खुद धारचूला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, वहाँ के हालत देख लीजिए। एक गर्भपात की समस्या कितनी ज़्यादा है वहाँ पे, एक नर्स वहाँ पे, नर्स की जो एबिलिटी है वहाँ पे कितनी कम है, वहाँ पे गर्भपात कितने होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सीधा रिफ़र टू हल्द्वानी, हल्द्वानी से रिफ़र दिल्ली। तो ये सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि आप जब हमारे नर्सों के लिए भर्ती करोगे, क्योंकि एक नर्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो 24/7 केयर देती है। एक जो हॉस्पिटल में जब एक आदमी भर्ती होता है, डॉक्टर तो देखते हैं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी अपना काम करते हैं, पर उसके अलावा जो 24/7 हर 7-7 घंटे की शिफ्ट में चेंज करके जब नर्स रहती है वहाँ पे, एक केयर देती है, खाना खिलाती है, उसके नेल फीट केयर, बहुत सारी केयर्स होते हैं हमारे नर्सिंग केयर में, वो सब देती है। उसके बावजूद भी हमारे सिस्टम जो है, नर्सों की जो भर्तियाँ हैं, हमको रुला रहा है एक हिसाब से, क्योंकि हमारे सीनियर 2010 में भर्तियाँ आई थी, 2010 से अब तक भर्तियाँ कोई नहीं आई है। बस जो सरकार है आगे बढ़ाई जा रही है, सरकार को इसको एक मुद्दा बनाना है 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में इन लोगों को अपना एक मुद्दा बना के इसको पेश करना है। पर इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर बेरोजगार है, जो हमारे कहते जो यूथ हैं वो बेरोजगार हैं, नर्सों की भर्तियाँ घरे जा रहे हैं। जैसा कि हमारे कहते अध्यक्ष जी ने बताया था कि जो हमारे बबलू अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बताया कि जो 11,000 से ज़्यादा पोस्ट हमारे उसमें खाली हैं, पर जो हमारे नर्सिंग के हैं उसमें वो भर नहीं रहे हैं, खाली 600 से 626 पद इतने पदों में खाली भर रखे हैं, उसके अलावा सारे पद रिक्त हैं। तो इस बारे में जो हमारे सरकार है उसको विचार करना चाहिए। पुष्कर धामी जी ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, हम ये करेंगे। जैसे मोदी जी आए थे, जब इलेक्शन थे 2021 में, तो मोदी जी आए थे, मुखानी सज धज के तिकोनिया पूरा सज रखा था, डीसी पूरी सज रखी थी। उस समय मोदी जी करके गए, हम अपने युवा के लिए एक स्कीम बनाएंगे, पैसों की बात करते हैं, पर जब आते हैं रोजगार के और खासकर हेल्थ की, हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है हमारी, तो हमारी कंट्री क्या है, बढ़ ली है, तो उसमें हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मेन है, उसमें कौन है, मैन पावर ही नहीं होगी तो कैसे करेंगे। पर ये लोग समझते नहीं है, खाली एक नर्स को एक रोजगार समझते हैं देने के लिए कि देना है, नहीं तो बढ़ाते रहते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं। तो हमसे यही विनती है, हमको हमारी सरकार से, कि जो हमारी स्टाफ नर्स की भर्तियाँ हैं वो जल्द से जल्द भर्तियाँ कराना शुरू करें, हर बार की तरह आगे 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 ना बढ़ाएं, जिससे हमको भी तकलीफ ना हो और आम जनता को भी तकलीफ ना हो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम यहाँ पे अपने लिए चाय वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि 100 दिन से इधर ही पे बैठे हुए, तो सब खाना पीना, चाय, रहना सोना सब इधर ही पे ही है। तो इसीलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि वो देख रहे हैं कि हम लोग कितनी परेशानी उठा रहे हैं, तो हमारे परेशानी को दूर करें और हमें एक रोज़गार प्राप्त करें, जिस और हमें ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से पिछले 100 दिनों से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं, और जो अपने भोजन की व्यवस्था है, खाने की, और जो चाय पानी है, और पूरा जो बिस्तर है, ये लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। ये पूरे अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ ये लोग पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और जो इनकी मांगे हैं उनको सुना जाए, और सरकार से और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे कहीं ना कहीं इनकी यही एक अपील है और यही इनकी जो मांग है
उसे सरकार जल्द ही सुने। अपने सहयोगी श्रीयुति तिवारी के साथ राहुल सिंह, हल्द्वानी।